मौला अली उनकी जाते गिरामी की तरफ तो रजू करो जिनके पहले नंबर के लिहाज से आज कुछ आवाजें बुलंद की जा रही हैं असलाफ का छोड़कर तो हजरत मौला अली ने वाशगाफ अल्फाज में कसम उठाकर पहला नंबर भी बताया और कहा अगर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तला का तस्करा नाम लिए बगैर करना हो तो कह दिया करो वो जो पहले नंबर वाला है काफिर जिनके सामने कोई सरकार के घर का पता किसी को नहीं बताता था जो एड्रेस बताता था कुरैश उसको भी मारते थे उस माहौल में हजरत सिद्दी के अकबर रजियाल्लाश मक्का को जब उन्होंने सरकार दो आलम सलम को अजीत दी तो आपने किसी को मुक्का मारा किसी को ठुड्डा मारा तो हजरत ए सैयदना सिद्दी के अकबर और हजरत सैयदना मौला अली रज्लाह हो दोनों का नारा लगाते हुए मैं यूं कहता हूं नाराय हैदरी नाराय हैदरी है यही कुरान के अंदर है यही कुरान के अंदर है यही ईमान के अंदर कौले अली कौले पैगंबर

अल्लाहु अकबर लबय लबएक, लबय लबएक, लबयका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहिल आली उलazim वस्सलातु वस्सलामू अला रसूलिल करीम वअला आलिही वअस्हाबीही अजमाईन

याज़ीन आमु सल्लुआल वसलम तस्लिमा असला तो वलम या सयदी या रसूल अल्ला वली का वबीिका या हबीबल्ल असला तो वामिक या सयदी या ख़ातमन्नबीन वली आली का वह का या सदी या ख़ातमासमीन मौला यम दा इम आबादा अला हबीबिका खैर ख़लक़ीकमी मुनज़ाह शरीरक़न फ़ीमा हासिनी ही फ़ौहर उ हसन फ़ी ही र उमासिमी मुहमदन ताज रसली कातिब

अज़म बदला ना ही मंजिल के इशारे बदले सदाए कफ़्स जो जेल में लिखा गया क़लाम उससे पढ़ रहा हूँ अज़म बदला ना ही मंजिल के इशारे बदले रब का शुक्र है ना सोच के दारे बदले हम न बैठे जिसकी कश्ती में समझ के गद्दार हम न बैठे जिसकी कश्ती में समझ के गद्दार क्या ख़बर उसने कितने बिठाए हैं हमारे बदले इलेक्शन से पहले कुछ लोग हमारे पास किसी ताउन के लिए आए थे आसिया मलोना की रिहाई से पहले फिर उन्होंने रबता किया कि आप हमारे साथ मिल के एहतजाज करें लेकिन हमने उनके अतवार और उनकी पीरी के असरार जो थे उनको सामने रखते हुए उनके रबते को मुस्तरद किया मगर अफसोस कि उन्होंने उस कश्ती में हमारे कितने बड़े बड़े बिठाए वो जिसकी पगड़ी के बारे में बात करने से उसे गुस्सा आता है हम न बैठे जिसकी कश्ती में समझ के गद्दार क्या खबर उसने कितने बिठाए हैं हमारे बदले जो न बदले थे कभी ना ही बदलते देखे अकानी साहब अपनी तकरीर में जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे जो न बदले थे कभी ना ही बदलते देखे अफसोस तो ये है कि अब सारे के सारे बदले जो ना बदले थे कभी ना ही बदलते देखे जो ना बदले थे कभी ना ही बदलते देखे अफसोस तो ये है कि अब सारे के सारे बदले और इसी से मुंसलिक ये भी है अजब आज अजब आज है ब्योपार किया जाने लगा कैसा मसलक पे है वार किया जाने लगा जो कल तलक करार पाए थे तफदीली अब उन्हीं से ही है प्यार किया जाने लगा जो ना फिक्र रिजा है ना ही फिक्र मुजदिद जो ना फिक्र रिजा है ना ही फिक्र मुजदिद ये कैसे उसूलों का है प्रचार किया जाने लगा उठ बरेली से मेरे अच्छे रजा इकबाल उठ बरेली से मेरे अच्छे रजा इकबाल एक, एक नया फितना है बेदार किया जाने लगा जिन जवानों को मुयसर है तंदुरुस्त अकीदा बरमला उनको है बीमार किया जाने लगा जो कर गए असलाफ खून जिगर से कायम उन दीवारों को है मिसमार किया जाने लगा मुझे खामोश कराने के एजेंडे वालों क्यों है मुझ ही से ये इशरार किया जाने लगा कैसे मूजी का है ये ऐहद हकूमत रब कैसे मूजी का है ये अहद हुकूमत रब हम फकीरों को है गिरफ्तार किया जाने लगा आज की इस कॉन्फ्रेंस के ऊनवान के लिहाज से जो ताज़ा कलाम है सैद नसीदी के अकबर रजी अल्लाह तन हो की ता गिरामी के लिहाज से अल्लाह अल्लाह है बुलंद सिद्दी के अकबर का मकाम अल्लाह अल्लाह है बुलंद सिद्दी के अकबर का मकाम आज भी कुर्बे नबी में हो रहे हैं शाद काम अल्लाह अल्लाह है बुलंद सिद्दीक अकबर का मकाम आज भी कुर्बे नबी में हो रहे हैं शाद काम अर्श का था फैसला जो फर्श पे नाफिज हुआ अर्श का था फैसला जो फर्श पे नाफिज हुआ मुस्तफ़ा ने खुद बनाया उनको उम्मत का इमाम अर्श का था फैसला जो फर्श पे नाफिज हुआ मुस्तफ़ा ने खुद बनाया उनको उम्मत का इमाम अजमत सिद्दी के अकबर पूछ लो कुरान से अजमत सिद्दीक अकबर पूछ लो क़ुरआन से सुहबत सिद्दीक पे नातिक है मौला का कलाम सिद्दी सिद्दीक अकबर पूछ लो कुरान से सुहबत सिद्दीक अकबर सुहबत सिद्दीक पे नातिक है मौला का कलाम दुश्मने सिद्दी के अकबर काश इतना सोच ले दुश्मने सिद्दी के अकबर काश इतना सोच ले कर रहे थे पंज तन भी उनका कितना एहतराम अल्लाह अल्लाह है बुलंद सिद्दी के अकबर का मकाम आज भी कुर्बे नबी में हो रहे हैं शाद काम अल्ला तबारक व तला जला जलारु व अम्मा नवाल व अतम्मा बुरहान व आज़ामा शान हो व जला ज़िक्र हो वजा इसमो के हमदोसना और हजूर सरवर का एनात मफ़र मौजूद जीनत बजमें कायन दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां सैद सरवरां हामि बे कसाँ कादरसलिन ख़ातमन नबीन अहमद मुजतबा जनाब महमद मुतफ़ा सल्लाबी वबारक वसलम के दरबार बार में हदी सलाम अर्ज़ करने के बाद अलकम वरम् वबरक तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्हु के वसम और तहरीक सिरात मस्तीम के जेराम मरकज़ सरात मस्तीम में आज दिन के वक़्त भी रबत मिलत कन्वेशन का इनका किया गया और अल्लाह के फ़ल से छः मार्च को होने वाली वहदती उम्मत कानफ्रेंस की तैयारियों के सिलसिला में बड़ा भरपूर वर्कर्स कन्वेसन मनकद किया गया और इस वक्त भी नहायत ही अहम मौजू पर अवलियात सैदना सिद्दीक़ अकबर रदील्ला कॉन्फ्रेंस का इनका जा रहा है वैसे जिस तरह गरज चमक में जब आया हूँ स्टेज पे तो देख रहा हूँ कि बला शाह साहब खिताब फरमा रहे थे नौमानी साहब खिताब फरमा रहे थे तो मुझे महसूस हो रहा था कि शायद अब मेरी तो तकरीर की ज़रूरत ही नहीं चमन वालों ने मिल के लूट ली तर्ज़ फगा मेरी लेकिन फिर भी चूँकि कॉन्फ्रेंस रखी हुई है तो इस लिहाज से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ खुशकस्मती है कि मेरे दोनों तरफ शादत क्राम रौनक अफरोज़ हैं कभी कहा जाता था कि सरहद के इलाक़े में सुन्नी ख़त्म होते जा रहे हैं लेकिन हमारी स्टेज पर जो सादात क्राम हैं दोनों ही ये खैबर ख़ास से रौनक अफरोज़ हुए हैं सवाद से हज़रत पीर सैद फजल कदीर शाह साहब हाफ़िज़ुल्ल तौनक अफरोज़ हैं और कुहाट से हज़रत पी सैद ज़फ़र अली शाह शाहब बनूरी हाफिजल्ल तौनक अफरोज़ हैं स्टेज पर इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हुए मुफ्ती मुहमद मुदसर रिजवी साहब जो तहरीक लबाक इस्लाम के सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर भी थे आप भी तशरीफ़ रखते हैं तहरीक लब्बिया रसूल अल्लाह सल्हसम के मरकज़ी रहनुमा हज़रत साहबज़ादा पीर मुहमद अमीन नबील साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और इस तरफ शेख लदीस अल्लामा महमद इरशाद अहमद जलाली साहब और कसीर तादाद में मदर्रसन फौज़ला जलवागर हैं मेरी दुआ है खाल के कायनात जल्ला जलालु हम सब की इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए गुफ्तु शुरू करने से पहले तहरीक लबैक इस्लाम के लिहाज से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन में पहले मेरे नाम से तहरीक लबैक इस्लाम की रजिस्ट्रेशन है बहसीत चेयरमैन तो आज तहरीक लब्बैक इस्लाम के चेयरमैन की हैसियत से और अमीर की हैसियत से मुशावरत के बाद साहबजादा मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील साहब को मनतखब किया जा रहा है और नायब अमीर वाइस चेयरमैन मियां मोहम्मद शफ़ी जलाली साहब और नाजम आला साहबज़ादा मुतजा अली हाशमी साहब नायब नाजम आला चौधरी नसरुल्ला वडाई साहब, सेक्टरी नशर इशात, मुफ्ती मोहम्मद मुद्दर रिजवी साहेब और ख़ाजन मियाँ मोहम्मद लतीफ़ मुरतजाई साहिब आप इन हज़रत के लिए दुआ करें कि रबल जलाल इनको मज़ी सलाहियतें अता फ़रमाए और के आसन ये काम आगे चलाने की तोफ़ीक अता फ़रमाए मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयत करीमा तिलावत की है खाल क़ायनात जला जलाू ने इर्शाद फरमाया है मुस्तकीम। इस आयत करीमा में सरात मस्तकीम से मुराद क्या है तफसर इबन जरीर जो तफसर मासूर में अवलिन तफासिर में है जिल्द नंबर एक सफर नंबर एक सौ बारह पर हदीस नंबर जो एक सौ पचपन है मासूर तफसीर जो इमाम अबुल आलिया तक जिसकी सनद पहुंचती है और फिर जिस पर हजरत हसन बसरी तआला की तस्दीक भी मौजूद है

और जो मुराद है उसको बयान करते हुए एक मफहूम ये भी वाजह किया कि इससे मुराद खातमुलंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल अला वसम की ज़ात गिरामी है और आपके बाद इससे मुराद सईदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह त हो और सईदना फारूक आजम रजी अल्लाह तो हैं इसलिए ही आल हजरत फाजिल बरेलवी राम ने हदाय के बख्श में नाथ शरीफ में ये लिखा आज तो फैले सिराते आ से रात मुस्तकीमत इस्लाम राीम आज तो फैले आ सिरात मुस्तकीम ए ल उस सिराते मुस्तकीम के सदक़े इस्लाम को क़वत दे उस सिराते मुस्तकीम यानी रसूल करीम अलैहि वसल्लम और आपके आलो अब के सदक़े इस्लाम को तकवीयत अता फ़रमा तहरीक सिराते मुस्तकीम या इदारा सिरात मुस्तकीम का नाम रखते वक़्त भी ये मानी मफाहिम पेश नज़र थे और उन्हीं का फैज अल्लाह के फजल से आज भी इस नाम में नजर आ रहा है सयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तला की गिरामी के लिहाज से हमारे मतद मौजुआत बयान हो चुके हैं गुज्ता साल फरवरी के अंदर इसी मकाम पर जो अदालत सैदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तहो सेमीनार यानी इस इस्लामी महीने में जो हुआ था जुमादा सानिया के अंदर उसके असरात अभी भी बदस्तूर कायम हैं और उसकी खुशबू दूर दूर तक पहुंची है बल्कि जगहों से तो अभी भी धुआं निकल रहा है तो आज सैद न सिद्दी के अकबर रली अल्लाह पहला नंबर क्यों है इस लिहाज से एक गुलदस्ता आपके सामने बंदा नाचीज़ पेश करना चाहता है इसी महीने में बल्कि इस जुमे से पहले जुमा पर हमने सैदाय कायनत रदी अल्लाह तहा वसलाम्ह कानफ्रेंस का इनका किया और वो भी मुनफरद दलाइल उसके अंदर जिसमें से बाज़ अदीस मुझे ख़ुद पहली मरतबा बयान करने का शर्फ हासिल हुआ वो मौजू हम इससे पहले बयान कर चुके हैं और रिकार्ड पर मौजूद है सैदना सिद्दीकी अकबर रदी की अवलियात को बयान करते हुए इमाम इबन जवै ने इस किताब के अंदर तकरीब पचास से जायद आपकी अवलियात बयान किए पचास बड़ी वजूह में पचास बड़े महाजों पर पचास जो बड़े खसाइल और मरातिब हैं उसमें दलाइल देकर इमाम इबन जवै ने इसको बयान किया और अगर वो उनमें से कुछ भी बयान किया जाए नसफ़ भी तो फ़जर तक बात पहुंच जाएगी लेकिन हम इतना लंबा ये मौजू आज नहीं करेंगे इसके कुछ मुंतबात और दीगर दलाइल जो हैं उनको बयान करते हुए जल्द ही अपनी गुफ्तगू इन खत्म करेंगे चूँकि सुबह इसबाक का भी मसला है इमाम इबन जिनजे जो हैं ये तीन सौ पचानवे हिजरी में इनका विसाल हुआ वो तो बड़े पुराने आइमा में से हैं और इनको हाफ़िज़ुल हदीस कहा जाता है और इमाम कहा जाता है और अपने अहद में इन्होंने रवाफिज़ के रद में सबसे बड़ा ईवार्ड हासिल कर रखा था शायद आज स्टेज पर इस वक़्त में इस सदी में तो पहली बार इनका नाम लिया जा रहा हो इनकी ये किताब पहली बार छपी है और इसमें इन्होंने बड़े हकायक को दोबाला किया है सईदना सदी के अकबर रदी अल्लाह हो, नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआज़म सल्ह वसम ने एक मौका पर सहबा किराम रदी अल्लाह तुम के सामने अपने एक खाब का तस्करा कियाब असाकिर ने तारीख़ दिमाश के अंदर उसका तफसील से जिक्र किया और इसके अलावा दीगर भी बहुत से माखज़ में वो हदीस शरीफ जो है वो मौजूद है जिल्द नंबर उनतालीस में जिल्द नंबर उनतालीस इसके अंदर वो हदीस शरीफ जो है वो मौजूद है कि रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआज़म अलैहि वसलम आपने एक मौका पर सिबा किराम रदी अल्लाह तगु करते हुए फजर के वक़्त ये फरमाया रई तो कबल अलगदा कहना तो वमवाजी कि आज फजर से पहले मैंने देखा कि मुझे कुछ चाबियां दी गईं। गोया के मुझे कुछ चाबियां दी गई और कुछ तराजू दिए गए फाम्ल मकालीद फहाज हिलमफाती जहाँ तक मकालीद का मतलब है तो वो ये चाबियां हैं वम्ल मवाजिन फहाज़ ही लती ताज़ी बिहा मवाजीन से मुराद ये तराजू हैं यानी तुम अपने उर्फ़ में ऐसे हबा जिनसे चीजों को का वजन करते हो फरमाया जो तराजू मैंने देखे फावु दे तू फी एहदल की फतेह वत उम्मती फी उखरा फुज तू फ तो बिहिम उस तराजू के एक पलड़े में मुझे बिठाया गया और उस तराजू के दूसरे पलड़े में मेरी पूरी उम्मत को बिठाया गया और जब वजन किया गया फरजह तो भीम मैं अकेला अपनी पूरी उम्मत पर भारी था यानी पूरी उम्मत जिसमें खलफ राशिदीन भी हैं आशरा मुबशरा भी हैं अनसार महाजरीन भी हैं गोस कुतुब अब्दाल भी हैं शोहदा उब्बाद जुहाद सब हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला फरमाते हैं सुम्मा जी अबी बकर उसके बाद सैदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह को लाया गया उनको एक पलड़े में बिठाया गया और उनके अलावा जो मेरी पूरी उम्मत थी उसको दूसरे पलड़े में रखा गया जिनमें खुलफा राशिदीन में से तीन अशरा मुबशरा में से नौ सारे अनसार मुहाजरीन बाकी गौस कुतुब अबदाल मुजदीन मुजतःदीन पूरी उम्मत के औलिया सारे दूसरे पलड़े में रखे गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब जब वजन किया गया फवोजे ना फवाजा ना होम मेरे अकेले अबू बकर पूरी उम्मत के बराबर तुल गए यानी सैयदना सिद्दी के अकबर रदी अल्लाह हो, रसूल पाक सलि वसलम वाले पलड़े में यानी सरकार के बाद जब सिर्फ सिद्दी के अकबर रदी अल्लाह तला को एक पलड़े में रखा गया और दूसरे पलड़े में सयदना उमर रदी अल्लाह तला भी हैं सैदना उस्स्मान गनी रजियल्ल्ला भी हैं हजरत सैदना मौला अली रजियल्ल भी हैं बाकी अशरा मुबशरा भी हैं बाकी वनसार तो सारे हैं बाकी महाजरीन भी हैं हाफिज कारी आलिम मुहदस मुफसर फ़की सारी क्यामत तक की उम्मत के इबादत गुजार तहजद गुजार सारे मौजूद हैं तो ये हैं हजरत सिद्दी के अकबर रदी अल्लाह तला अन हो कि अकेले ही इन सब के बराबर पूरे उतर गए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैदना सिद्दीके अकबर रदी अल्लाह तला अन हो कि अफजलियत असबकीयत और अवलियत उसकी कितनी जहाद हो सकती हैं कितनी वजुहत हो सकती हैं और कितने खसाइल और फजाइल की बुनियाद पर उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अम्बिया कराम के बाद बाद बादबिया इंसानों में सबसे ऊंचा मरतबा मकाम अता फरमाया गया है हजरत सैदना मौला अली रजियाल तला आपने इस हकीकत को जिस अंदाज में बयान किया, इज़मालन खाके के अंदर उसको भी जिक्र करना चाहता हूँ अलमोजम औस्त के अंदर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तहो का ये फरमान मौजूद है कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह तहो इसमें हदीस नंबर सात हजार एक सौ अड़सठ है और मोज़मुल औ औस्त की जल्द नंबर पांच है इस जिल्द नंबर पांच के अंदर ये अल्फाज हैं बड़े तारीखी और कीमती अल्फाज मुकम्मल सन्द के बाद सेला बेन जोफर कहते हैं का ना अली रद्ला जोकेरा इन दाहू अबू बक रद अल्लाह तला अन हो असबाक तजकुरू ना कि जब भी हजरत मौला अली रजियाल्लाहो के पास सईद रसीदी के अकबर रजी अल्लाह तहो का जिक्र होता तो आप फरमाते वो अबू बकर कि जिनका हमेशा ही पहला नंबर होता है सबकत लेना इसमें मुबारका का सीगा कि वो अबू बकर कि जिनको कोई पीछे से जाके किसी नेकी के मैदान में भी पा नहीं सकता कि वो जो हमेशा ही आगे होते हैं जो हमेशा ही सबकत ले जाते हैं जो हर हर वस्त खूबी फजीलत कमालात मराकब में नेकी के मुख्तलिफ मैदानों में जिनको पीछे से दौड़ के कोई पकड़ नहीं सकता जिनको रब्बे जुल जलाल ने हर मैदान में सबकत दी गोया के हजरत मौला अली रजी अल्लाह तला के नजदीक हजरत अबू बके सिद्दीको का दूसरा नाम ही बाक था कि पहले नंबर वाला सबकत वाला आगे निकल जाने वाला कि और कोई उन तक पहुंच नहीं सकता इसीलिए ही आप फिर कसम उठा के कहते थे नफसी नफसीब ही मुझे उस रब की कसम जिसके कब्जा कुदरत में अली की जान है मौला अली रजी तला फरमाते हैं मस्ताबा का ना इला सबा का ना इलाई अबू किसी भी नेकी के मैदान में जब भी मुकाबला का वक्त आया तो पहला नंबर सिद्दी के अकबर का ही था मोज में औस के अंदर हजरत अली रद्ला तला की ये गवाही इन लफ्जों में और मस्तबाकाना इलाखैर नकरा नफी है कोई खैर कोई नेकी कोई अच्छाई कोई फजीलत किसी लिहाज से भी कोई कारे और जब भी उसका मौका आया है तो इल्ला साबा का ना इलाह अबू बकर उसकी तरफ सबकत जिस जात ने की है पहले सबसे बढ़कर जिसने वो काम किया है वो जात मौला अली रजी अल्लाह अन्हो के नजदीक के अकबर की जाते गिरामी है तो आज मौला अली से तो उनकी जाते गिरामी की तरफ तो रजू करो जिनके पहले नंबर के लिहाज से आज कुछ आवाजें बुलंद की जा रही हैं असलाफ का छोड़कर खुद उस मौला अली से तो पूछो कि पहला नंबर किसका है तो हजरत मौला अली रद्ला ने वाफ अल्फाज में कसम उठाकर पहला नंबर भी बताया और कहा अगर अबू बकर सिद्दीक रजियलाहो का तस्करा नाम लिए बगैर करना हो तो कह दिया करो वो जो पहले नंबर वाला है वो जिसे रब ने हमेशा सबकत दी है तो हजरत सैदना सिद्दीक के अकबर और हजरत सैदना मौला अली रजियल्लाह तला दोनों का नारा लगाते हुए मैं यू कहता हूं नाराय हैदरी नारायदरी है यही कुरान के अंदर है यही कुरान के अंदर है यही ईमान के अंदर कौले अली कौले पैगंबर तो हजरत मौला अली रजियाल्लाह तला को जिसने खुश करना है उसने मौला अली रजियलाह तला के नजरिए को तस्लीम करना है और मौला अली हो इस अंदाज में सईद न सिदी के अकबर रजी अल्लाह हो की अवलीत को बयान करते हैं ऐसे ही कंजल की जल्द नंबर पांच में मौला अली का एक फरमान मौजूद है कि हजरत मौला अली हो आपने एक मौका पर यह इरशाद फरमाया हजरत मौला अली रजियलाहो तफसील के अंदर ये अल्फाज आपके मौजूद हैं कि हजरत मौला अली रजियल्ला खिलाफत सिद्दीक अकबर रजियाल्लाह तलाो के लिहाज से क्या ऐलान किया करते थे इसमें लिखा है हदीस नंबर चौदह हजार एक सौ चौवन में यह भी अजीब अल्फाज हैं लम्बा बूज या अबू बकर रजियाल्लासताम के जब हजरत सिद्दीक अकबर रजियला को अमीरमोमीन बनाया गया और आपके हाथ पर बैत की गई तीन दिन तक आपने अपना दरवाजा बंद कर दिया और अपने आप को घर के अंदर मासूर कर लिया चूंकि रसूल पाक सल्लाम विशाल मुबारक का गम भी था और फिर ये जो इतना बड़ा बोझ और जिम्मेदारियां आप पे थी इसके लिहाज से ये लिखा है अगला का बाबा बाहू सलासताम तीन दिन वैसे मुलाकात बंद रखी निकलते बाहर और बाहर निकल के एक ऐलान करते अयुहन्नास कद अकल तो कुम बयाता कुम बायू मनहब तुम लोगो जो तुमने मेरे हाथ पे बैत की और मुझे अमीर उलमोमिन बनाया मैंने वो बैत तुम्हारी वापस कर दी बायू मनहबब तुम तुम जिसको चाहते हो उसको अमीर उल्मिन बना लो तीन दिन हजरत सिद्दी के अकबर रजियाल्ला तला जब ये ऐलान करते रहे और इसके बाद फिर अंदर महसूर हो जाते अपने आप को अपने घर बंद कर लेते तो बेलाखिर कुल्लो का यकूम है अली रजियला तीनों दिन ही जब हजरत सिद्दीक अकबर सिदी ये अकबर करते उनके ऐलान के बाद मौल ऐलान करना शुरू कर देते पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन क्या ऐलान करते थे हजरत फरमाते थे का का ना हम बैत वापस करेंगे न आपसे ये मुतालबा करेंगे कि आप हमारी बैत वापस करो ना हम आपको बैत वापस करने देंगे क्यों ये तारीखी लफ्ज हैं कहने लगे का वसूल सल्लासम मंजा युवीरू का तुझे रब के नबी ने पहला नंबर दे दिया है कौन होता है जो तुम्हें दूसरे नंबर पे करे मौला रजी अल्लाह तीन दिन जवाबी तौर पर यह ऐलान करते रहे कद्दमा का रसूल वसल्लम के तुझे तो मुकदम किया है अल्लाह के रसूल सल्लाम ने खीरो का होता कौन है वो जो आपको पीछे करे जो आपको मखर करे और जो आपके पहले नंबर को काट के किसी और नंबर पर आपको ले जाए हजरत मौला रजी अल्लाह तहो ने वाज अल्फाज में आपने इस अज़म का इजहार किया और यही बात हजरत सईदना हजरत उमर रजी अल्लाह तहो उनके लिहाज से भी सुनने अबी दाऊद के अंदर मौजूद है सुन नबी दाऊद में हजरत उमर रजी अल्लाह ये कौल है कि वो मशहूर वाक़ बल्कि मशहूर हदीस के जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था सदका करने का हजरत उमर कहते हैं आमाराना रसूल सलम यौमन अन नसदा का हमें हुक्म हुआ कि हम सदका करें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया फुल तुल जऊ मसबी तो मैंने दिल में कहा कि आज तो मैं सबकत ले जाऊंगा कहते हैं फजे तो बेनिस्फ माली अपना आधा माल ले आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अब कई तलिया अली का फुल तुम इसला आधा ले आया हूं आधा छोड़ आया हूं कहते हैं कि अता अबू बकरिन रदी अल्लाह तलाानु बिल्कुल नबूबकर सिद्दीक रदी अल्लाह तलाानु अपना सारा ही ले आए ये आपने कई बार सुना होगा और इकबाल ने चश्मे तसवर में यह कहा कि इतने में इतने में वो रफी के नबूवत भी आ गया जिससे बनाए इसको मोहब्बत है उस तार ले आया आपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त हर चीज जिसका चश्मे जहां में हो ऐतबार बोले हजूर चाहिए फिक्रे याल भी कहने लगा वो इश्को मोहब्बत का राजदार है तुझसे से दीदा अंजम फरोगीर ए तेरी जात से तकवीने रोजगार परवाने को चराग है बुलबुल बुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस मकाम पर जो सुनने अल्फाज हैं हजरत उमर रजियाल्ला कहते हैं कुल तो ला उषा बिकू का इलाश आबादा आज के इस मंजर से ही एक रिजल्ट निकला कि आज के बाद मैं कभी इस पोजीशन में अपने आप को लाऊंगा ही नहीं कि मैं आपसे मुकाबला करूं क्योंकि आपसे नंबर लेना ये हमारे बस में नहीं आपका वो पहला नंबर है कि जिसको हासिल करना किसी और दूसरे की बसात में है ही नहीं इस बुनियाद पर इतने किबार लोगों ने जो नारा लगाया था आज तक वो नारा अल्लाह के फजल से गूज रहा है और वही नारा हकीकत में अल अतका के लफज में कुरान में है वह अतका और एक आयत नहीं मुतद आयात यही ऐलान कर रही है।, है यही कुरान के अंदर है यही ईमान के अंदर अब इसमें एक खुलासा मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं सबसे पहली अव्वलियात और सबसे अख्तामी अवलियात अव्वल आखिर को बयान करने से जो दरमियान के मौजूद हैं उनका खुलासा भी उसी के जिम्मन में आ जाएगा जहां तक सैदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तला के ईमान लाने का मामला है वैसे तो जद दीन उमलत इमाम महमद रान फाजिले बरेलवी रमत ने शरीफ में ये वाज लिखा है के हज़रत मौला अली ताला और हजरत सिद्दीक अकबर रजियाल्ला रसूल अक्रम सबूत से पहले ही मोमिन थे ये हम एक अफकार रजा सेमिनार में से एक सेमिनार में तफसील इसको बयान कर चुके हैं लेकिन एलान नबूवत के बाद जो एक शर्फ है इसका और फिर इजहार इस्लाम का उसके लिहाज से हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तला आपका फरमान जाम तिरमज़ी में मौजूद है जेल नंबर चार के अंदर सफा नंबर चार सौ उनचास पे इमाम तिरमज़ी ने इसको लिखा है कि हजरत सिद्दीक अकबर रजियाल्ला ने एक मकाम पर तहदी से नमत के तौर पर कि रब ने मुझे क्या क्या इशने दीं हजरत अबू सीद खुदरी रिवायत करते हैं हदीस नंबर तीन हजार छह सौ सड़सठ है इसमें कालाबू बकर रजियलाहो अलस तो अव्वाला मन असलमा ए लोगो क्या मैं वो नहीं हूं कि जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया भरे मजमे में खुद हजरत सिद्दीक के अकबर रजियल्ला ने इस बात का ऐलान किया और इस पर फिर तबकते इबन साद के अंदर जल्द नंबर दो में इस चीज को मजीद उजागर किया गया तबकाते इबन साद जिल्द नंबर दो उसमें ये लिखा है कि हजरत सिद्दीक अकबर रजियला के लिहाज से कालू अब असलमा अबू बकर असिद्दीक रजियला सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियो है यानी ये के अमल बिल इस्लाम इससे आगे हमें बहुत सी वजूहत समझने में मदद मिलेगी इस वास्ते जिमन में इस चीज को पहले बयान कर रहा हूं यही चीज इबन अशाकिर में मौजूद है कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तनहो इर्शाद फरमाते हैं जिल्द नंबर तीस के अंदर आपका हजरत सिदी के अकबर रजियाल का अपना कौल इन लफ्जों के साथ मौजूद है कि हजरत सिदी के अकबर रजिया आपने अपने इस्लाम के लिहाज से ये फरमाया बिहा अव्वला मन अलस्तु साहिबा हाजल बैत ये सारे अल्फाज जो हैं अलस्त अहक नाश बिहास्त असलमास्तो काल अबू बकरिन रजियो तला तो अव्वला मन आ माना, मैं वो पहला हूं जो सबसे पहले जिन्होंने ईमान कबूल किया बहरहाल इसमें इकतेसार के साथ अलिदाया वहाया से इमाम आजम अबू हनीफा की जो ततबीक है वो पेश करके अपनी गुफ्तगु को आगे बढ़ाना चाहता हूं अलविदाया वहाया में इमाम आजम अबू हनीफा जिल्द नंबर तीन के अंदर सफर नंबर तैतीस पे मुख्तलिफ अकवाल जिक्र करके सैयदा खदीजाबरा रजी अल्लाह ने पहले नंबर पर इस्लाम कबूल किया सैदना मौला अली रदी अल्लाह तु ने पहले नंबर पे इस्लाम कबूल किया सैदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तु ने पहले नंबर पे इस्लाम कबूल किया इसकी तदवीक इमाम आजम अबू हनीफा ने जो दी वो ये है कहते हैं वकद अजाब अबू हनीफा था रदी अल्लाह तन हो बिल जम हाजिल अकवाल बेन अवल मन असलम रिजाल अबू बकर आजाद मर्दों में से सबसे पहले जो इस्लाम लाए वह हजरत अबी खात जिन्होंने रजियाल्लाहा है वामिन मवाली जैद उबन हार और गुलामों में से सबसे पहले, सब पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वह हजरत जैद बिन हार रदी अल्लाह तहो हैं वमिनुब्बी तालब रदी अल्लाह तुम अजमाइन और बच्चों में से जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वह हज़रत मौलाजी अल्लाह तहो हैं ये तत्वीकूमी तौर पर बयान की जाती है लेकिन असल सबसे पहले जिस ज़ात ने यह ततबीक बयान की वो इमाम आजम अबू हनीफ़ा र और हमें इस पर एतमाद है जो इमाम आजम अबू हनीफा ने जिस तरह इस तत्वी को बयान किया क्योंकि दूसरी तरफ तो आला हजरत फाजल बरेलवी रम तो इसके भी कायल हैं कि हमारे आकाल इस्लाम ने अभी एलान नबूत नहीं किया था ये दोनों हस्तियां तो उससे भी पहले ईमान वाली हैं अब इससे अगला मरहला है इस्लाम का इजहार करना इसमें कोई दूसरा कौल नहीं कि इजहार इस्लाम कबूल करने के बाद इजहार इस्लाम सबसे पहले जिस जात ने किया उस जात को सिद्दी के अकबर कहा जाता है क्योंकि इस पर आगे बहुत सी चीजें मुरतब होंगी इजहार इस्लाम पर उस वक्त कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके ऐलान नबूवत के बाद जो दूसरी आवाज है उस कुफर शिरक के माहौल के अंदर दूसरी आवाज कि खुदा एक है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं यह दूसरी आवाज जो गूंजी जो जाहिर हुई यह दूसरी आवाज जिसने लोगों को हक की तरफ दावत दी जिसे शदीद तरीन दबाव का सामना करना पड़ा और सख्त तरीन तशद का सामना करना पड़ा और तारीख इंसानियत में तारीख इस्लाम के अंदर सरकार दो आलम सल के बाद जो ऐलानिया कह रहे थे कि खुदा एक है और मैं उसको एक मानता हूं और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्ला तो अल्लाह के रसूल हैं और मैं उनका उम्मती इजहार करने वाली पहली जात, अकबर इस सि में चंद हवाला जात अर्ज करके अपनी गुफ्तगु को आगे बढ़ाता हूं मतदाद हवाला जात इसके मौजूद हैं दलालबूआ जिल्द नंबर दो उसमें भी इस चीज को तोर पर बयान किया गया जिल्द नंबर दो में सफा नंबर एक सौ तिरसठ इसमें लिखा है अब वालो मन अजहरल इस्लाम इ अबा बकर रदी अल्लाह ताला अनहो अब वालो मन अजहरल इस्लाम अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अनहो इजहार इस्लाम में इजहार इस्लाम में दूसरा कोई कौल है ही नहीं इजहार इस्लाम में के जाहिर किया सबसे पहले जिस जात ने इस्लाम को दिल का जो ईमान था आम चौकों चुराहों में आम पब्लिक प्लेसेस पर मुख्तलिफ कबीलों में जाकर मुख्तलिफ मकामात पर जाकर जिस शख्स ने ऐलान ईमान का इजहार किया इस्लाम का इजहार किया उस वक्त के माहौल को ललकारा उस वक्त का सकूत तोड़ा उस जात को सिद्धि के अकबर कहा जाता है ऐसे ही जिल्द नंबर तीस इबन असाकिर उसके अंदर भी इमाम इबन असाकिर ने इस चीज को जिक्र किया सफा नंबर पैंतीस पर है फब दादा अबू बकर अमराहू व अजहरा इस्लामू व दाना सा कि सबसे पहले इजहार इस्लाम हजरत सिद्दी के अकबर रदी अल्लाह तला ने किया ऐसी अलविदाया वन नहाया उसके अंदर जिल्द नंबर तीन पर यह मौजूद है अलामी जिल्द नंबर दो सफर नंबर छह सौ सत्रह पर मौजूद है और इसके साथ फिर इमाम सिंह ने अवलिया का भी जिक्र किया कि इस्लाम की सबसे पहले दावत इस्लाम का सबसे पहले खुतबा रसूल पाक सल्लम के बाद जिस जुबान ने दिया वो जुबा सिद्धिकुबा है इस बुनियाद पर जब आप दावत देने में अव्वल करार पाए तो फिर दावत देने के लिहाज से जो असरात मुरतब हुए वो भी सारे आपके लिहाज से मरतब हुए क्योंकि एक ऐसा शख्स के अरब दुनिया जिससे मुतारफ थी दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलान नबूत से पहले भी इबे दखना की वो हदीस जो बुखारी शरीफ में मौजूद है उस शख्स का कलमा पढ़ जाना और उसका इजहार करना इसके ये असरा थे कि अगर इस्लाम के अवलीन आठ अफराद को देखा जाए तो उनमें पांच बड़े अफराद जो इस्लाम की गाड़ी में बैठे नजर आते हैं वो पकड़ के अपने हाथ से सिद्दी के अकबर ने बिठाए हैं, जिनके आगे कोशिशों से फिर दूर तक इस्लाम पहुंचा और कारवाने इस्लाम आगे बढ़ा में से पांच यहां तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे हजरत जुबैर रजियाल्लाह उनको दावत इस्लाम सिद्दी के अकबर रजियाल्ला ने दी ये इस्लाम के पहले दाई हैं दावत देने वाले रसूल अक्रम के के जिनकी दावत को अल्लाह ने इतना उरूज अता फरमाया इतनी कबूलियत दी वो हजरत तलहा हूँ, हजरत उस्मान गनी हूँ, हजरत साध हूँ, ये पांच में से अवलीन लोगों में जिन्होंने कलमा पढ़ा है उस वक्त और अभी कोई खतीब नहीं था कोई मुबलग नहीं था कि जो मुबलग तब बने जब पहले अपने इस्लाम को जाहिर करे कबूल इस्लाम के बाद इजहार इस्लाम में अवलियन शख्स हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तु उन्होंने इजहार किया इजहार का हक अदा किया और मजमायाम में अगर तकरीर की खुतबा देने में भी अवलीन मकाम हासिल किया और जिसे इस्लाम के हक हाँ में तकरीर करने पर सबसे पहले तशद के नतीजे में बेहोश हो जाने का शर्फ हासिल हुआ वो भी के अकबर पर, हैं कि जब आपने हरम शरीफ के पास यानी खाना काबा के पास खड़े होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत में अवलीन जो आम जलसा था उसमें खिताब किया और उसके नतीजे में आप पर तशद किया गया हजरत सिदी के अकबर रज अल्ला अवलीत आपने इजहार इस इस्लाम के अंदर अवलीत इख्तियार की, फिर दावत इस्लाम में अवलीत इख्तियार की और इसके साथ नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मुज्म के साथ, साथ मिलकर नमाज पढ़ने में भी रब ने आपको अवलीत अदा फरमाई यहां एक कौल अगरचे दूसरा मौला अली रजियाल्ला के लिहाज से भी मौजूद है लेकिन अक्सर इस पो जो अवलीत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तलाो के अंदर शुमार करते हैं इसमें अलविदाया वन नेहा की जिल्द नंबर तीन सफा नंबर बत्तीस पर अव्वलोमन अबू बकर सबसे पहले जिसने नमाज पढ़ी वो अबू बकर सिद्दीक

अब्वाल मन सल्ला अबू बकरिन रजी अल्लाह तला क्या मत तक निमाज़ी जो फजीलत हासिल कर रहे हैं और करेंगे अगर इस लाइन में भी पहले नंबर पे नजर आए हैं

सैद सिद्दीके अकबर रजियल्लाहो के इन वजूह के अंदर जो तस्करा किया जा रहा है जाम तिरमजी में हजरत सयदना सिद्दीक के अकबर रजियल्ल तो के लिहाज से ये बात जो बुखारी मुस्लिम इब्ने माजा या सिहा इसके अलावा जमात के लिहाज से जो आपकी तकदीम थी क्योंकि वो कई बार बयान हो चुकी है इस वक्त उसका तस्करा मकसूद नहीं है लेकिन सबसे पहले अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी अमानत जिनके सुपुर्द की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को खुद खुद अपने आप को जिनके सुपुर्द किया सबसे पहले वो भी सिद्दीक अकबर रजियाल्लाहो हैं ये सारी जेतें बयान करते करते फिर यहाँ तक भी ये बात हम बयान करेंगे कि फिर सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो भी सिद्दीके अकबर रदी अल्लाह तहो हैं वजू के लिहाज से कुरान जमा करने में सबसे मुकदम आप हैं कुरने मजीद बुरहान रशीद से इस्तिदलाल करने में सबसे मुकदम हजरत सिद्दीकी अकबर रदी अल्लाह तलाहो हैं इस दीन के लिए माल खर्च करने में सबसे पहले जो जात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तलाो की जत गिरामी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिनको हज करने का हुक्म दिया है वो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तलाो की जत गिरामी है ऐसे ही नबी अलैहि वसल्लम ने जिनको सबसे पहले नमाज में अपना खलीफा बनाया है वो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तला हैं और रसूल पाक वसल्लम ने जिनको इल्म का वो मर्तबा दिया क्योंकि हर फजीलत आपको सरकार की वजह से मिली है तो इस बारे में मुत्द हवाला जात मौजूद हैं कि अरबों के जितने भी अनसाब थे अरबों के नसब जानने में भी सिद्दीक अकबर का पहला नंबर था आलम थे बाकी उमूर में भी कुरान सुन्नत में भी और अनसाब को जानने के लिहाज से भी और ऐसे ही जो अमरे शरीयत है उसके लिहाज से हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तला को रब ने पहला नंबर अता फरमाया और यहां पर जिक्र करते करते वजू को इमाम इबन जिन ने इस हकीकत को भी लिखा कि मार्फा तो सिद्दीक बेखिताब ही के रबुल जलाल कुरान के अंदर जो खिताब फरमाता है सबसे पहली जिसकी सोच उस मफहूम को समझती है वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तुए हैं और सरकार जब हदीस बयान करते हैं जिस तरह की बुखारी शरीफ में है उस वक्त भी सिहाबा कहते हैं वकान कि हमें पता नहीं चल रहा था अल्लाह के अंदर किस जात को सरकार जिक्र कर रहे हैं हमें पता नहीं था लेकिन सिद्दीक अकबर उस वक्त भी पहले नंबर पर थे कि ये बात और किसी की नहीं हो रही बल्कि रसुल अक्रम सलाम की जाते गिरामी की बात हो रही है ऐसे ही नबी अकरम अलैहि वसल्लम के फैसलों में राय देने के लिहाज से और सरकार की पॉलिसी को समझने के लिहाज से खुदाबिया का जो मौका था जब रसूल पाक वसल्लम ने यह मुहिदा कर लिया कि उम्र आग अगले साल करेंगे अब यहीं से वापस चले जाएंगे और तो और रहा हजरत अबू बकर समझ नहीं आ रही थी कैसे हो सकता है कि हम यही एहराम खोलें यही कुर्बानियां कर दें और यहीं से हम वापस चले जाएं हम जब जिहाद के लिए निकले हैं और जज्बा जिहाद और शौक शहादत में वो आकर यहां तक कह रहे थे क्या हम हक पर नहीं है जब हक हाँ पर है तो वापस क्यों जाए क्या सरकार दौारे दौारे ने फरमाया नहीं था कि हम उमरा करेंगे तो फिर हम उम्र किए बगैर वापस क्यों जाए हजरत उमर को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया था और उम्र फारूक रदी अल्लाह तला में उसका इजहार करते रहे वही जवाब हजरत उमर रदी अल्लाह तला के सारे सवालों का सरकार से सुने बगैर अपने तौर पर हू बहू एक हरफ की तब्दीली के बगैर जिस जात ने दिया है वो जात सिद्दीकी अकबर की, की जाते गिरामी है मसलन जब सरकार दो आलम वसल्लम ने फरमाया उमर मैंने कहा था कि हाँ उमरा करेंगे क्या मैंने कहा इसी साल करेंगे तो उम्र ने कहा नहीं यार रसुल्ला ये तो आपने नहीं फरमाया था तो फरमाया फिर करेंगे यानी ये इल्मे इमुवत है कि उमर अगले साल भी तुम जिंदा होगे मैं भी हूंगा उमरा करेंगे अब दूसरी जगह बैठे अबू बकर सिद्दीक रजियन हो यहां से उठते ही हजरत उमर वहां चले गए जब वहां जाके पूछा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पहले दो सालों के बाद जब ये सवाल हुआ कि सरकार दो तो आलम सल्लाम ने तो फरमाया था कि उमरा करेंगे अब उमरा किए बगैर कैसे चले जाएं तो जरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हाँ फरमाया था उम्र करेंगे लेकिन उम्र क्या यह फरमाया था कि इसी साल करेंगे यह है अवलीत सलातों में कि उनको नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लाम की मुतलकन पॉलिसी जो है मजाज जो है वो मजाज शनास नबूत इस अंदाज में कि वह उम्र फारूक जो नबी लकाना उमर की शान रखते हैं इन यकूफी उम्मती उमर वो उम्मत के सबसे बड़े मुहदस और साहेब इलाम जहां उनकी सोच सवाल के मनसब पर है वहां सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह सोच एक मुर्शिद और उस्ताद के मनसब पर है ऐसे ही हजरत सईदना द्दी के अकबर रदी हो ताला अन्हों। आपके रजियाल्लाख्त इजतहाद जो हैं उनका जिक्र मौजूद है सिर्फ एक बार नहीं कई बार आजमाया गया और हर बार जो है वह हजरत सिद्दीक अकबर रजियला पहले नंबर पर आए यही वजह थी कि और तो और रहा शुजात के मसले में भी खुद मौला अली रजियाल्ला ने जब सवाल किया मन अश्नास सबसे बरेवेस्ट इंसान कौन है ये खुद मौला अली ताला का रजियलाहद खिलाफत है और कुछ लोगों ने कहा अंत आप सबसे ज्यादा बहादुर हैं तो मौला अली रदी अल्लाह तन ने फरमा अश्नास अबू बकर सबसे बहादुर अबू बकर सिद्दीक सिद्धिकार और इस पर आपने फिर दो दलीलें पेश की मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी से मक्की जिंदगी में भी एक ऐसा मौका फरमा और कोई उस वक्त आगे नहीं बढ़ा था सिवाय सिद्दी के अकबर के यानी मौला अली तो अल्लाह वक्त वैसे अभी बच्चे थे ये मौका ऐसा था कि उस दिन भी खुद मोलारी कहते हैं पहला नंबर सिद्दीक अकबर सिद्दी के अकबर का था यदरेबुहा वायु लुहाजा काफिर जिनके सामने कोई सरकार के घर का पता किसी को नहीं बताता था जो एड्रेस बताता था कुरैश उसको भी मारते थे उस माहौल में हजरत सिद्दीक अकबर रजियाल्लाश मक्का को जब उन्होंने सरकार दो आलम सलम को अजीय दी तो आपने किसी को मुक्का मारा किसी को ठुड्डा मारा यदरे हाजा व यू हाज़ा, लोहाजा सबको पीछे हटाकर का अतकलू रजुलन अकूला रबी अल्लाह क्या तुम ऐसे शख्स के खिलाफ निकल पड़े हो जो तुम्हें अल्लाह के एक होने की दावत देता है उस गर्म तरीन माहौल के अंदर सईदना सदी के अकबर रदी अल्लाह हो कि वो अवलीन सलाहियतें थीं कि जिस वजह से आपने वो सारा मक्की भी मुकम्मल हिफाजत में गार के अंदर मुकम्मल हिफाजत में बाद के अहवाल के अंदर मुकम्मल हिफाजत में रसूल पाक सल वसलम के विशाल के बाद ये सलाहियतें

अर्ज करके गुफ्तु खत्म करना चाहता हूं कि ये सारे फजाइल जब इकट्ठे होते हैं तो फिर जन्नत जाने के वक्त भी सैना सिद्दीक अकबर रद्ल पहले नंबर पर मौजूद हैं। फजाइल सिहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल की जो किताब है उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं इमाम अहमद बिन हम्बल ने फजाइल सहाबा जल्द नंबर एक इसके सफा नंबर चार सौ उनासी पर इस हदीस को जिक्र किया कहते हैं कि अनबी हुररा रील्लाम सैद नबरा रजी अल्लाह तु से रिवायत है कि रसूल पाक सर्शाद फरमाया जी बरील सलाम बेयदी आरानी बाबल जन्ना जिबरी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जन्नत का दरवाजा दिखाया कौन सा फरमा तद खुलो मिनहो उम्मी वो गेट जहां से मेरी उम्मत ने जाना है मुझे वो दरवाजा जिबरी ने दिखाया जब ये तस्करा हो रहा था फकाल अबू बकर सल्लल्लाहु वसल्लम, वदित्तु अन्नी कुल तुम का मुझे ये बड़ा ही पसंद है कि काश जब जिब्रील आपको दरवाजा दिखा रहे थे तो मैं भी साथ होता मैं भी वो दरवाजा देख लेता मुझे भी यह शर्फ हासिल हो जाता इस मौका पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया याद रखो इन्ना का अफ्वालो मई यद खुल जन्नत मिन उम्मत ही अबू बकर सिद्दीक तुम वो पहले हो कि मेरी उम्मत में से जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाओगे ये आज के मौजू के लिहाज से एक खाका है कभी वक्त मिला तो इन शे सारी तफसील से बयान करेंगे अल्लाह तआला हम सब का हम यु नासर हो अनिल उदावा रब्बिल आलमीन